Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friend, this is the first video which is going to be uploaded on YouTube. Okay, so first time in YouTube, on what basis TCS is sending joining letter secret revealed? Why TCS delaying joining letter? और इसके अलावा बहुत सारे लोग के आते हैं doubts कि सर हमारे सेम डेट में हमारे फ्रेंड का भी था, हमारे पास नहीं है, हमारे फ्रेंड के पास आ गया. इस तरह की भी चीज़ों को लेकर हमारे पास काफ़ी लोग डाउट्स आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं. मैं डेली आप लोग कमेंट्स रिप्लाई करता रहता हूँ और ये जो है फ्रेंड बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखना. इसके बाद आप लोग का मे भी सारे के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे रिलेटेड टू योर जॉइन लेटर. क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं सर हमारे पास जॉइन लेटर क्यों नहीं आ रहा, सर कैसे जॉइन लेटर देखने को मिलेगा, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हमारे फ्रेंड के पास आया सेम डे ऑफर लेटर हमारे पास भी था सर हमारे पास क्यों नहीं आया. वो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है. वन ऑफ माय फ्रेंड रिसीव्ड ऑफर लेटर ऑन द सेम डेट एज ऑफ माइन 23rd November 2022. Following the survey mail was sent to him prior 2 days before me 26th March and yet he got joiner letter for 18th April but I am still looking for it. So can't understand the process. Okay. So, यहाँ पर चलिए अभी सीक्रेट को रिवील्ड करते हैं. मैं पहले इंड शो कर देता हूँ यहाँ पर ताकि मैं आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है, कि क्या है वो सीक्रेट. मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लेआउट चूज कर लेते हैं. ओके, सो आई चूज इन द लेआउट एज वेल, ठीक है. तो यहाँ पर बता दो फ्रेंड, तो टीसीएस का जो ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग लेटर क्राइटेरिया और यू कैन से प्रोसेस एंड प्रोसेस, ओके, 2024 और ये चलता रहता है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है. तो देखो जो पहला जो है, मैं पहला बता दूं, दिस इज अ रेंडम प्रोसेस, इट्स अ रेंडम प्रोसेस, इट्स अ रेंडम प्रोसेस, फुल्ली रेंडम प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक आप लोग जो है लेट्स सपोज आईपी एग्जाम दे रहे हो, सीपी एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों ने हैकाथन में पार्टिसिपेट करा है, आप लोग प्री मैप्ड हो, मतलब ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता, ना ही आईपी मैटर करता है. यस, रिसेंटली में काफी लोगों ने अपना एसएचएल असेसमेंट दिया है और उसमें भी कुछ ऐसे मैंने लोगों से बात करा जो बोले सर हमने भी दिया था सेम डे, मेरे दोस्त का आ गया अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आया. तो सोच के देखोगे तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता, नथिंग इज मैटर, नथिंग इज मैटर ओवर हेयर फॉर गेटिंग, नथिंग इज मैटर, कुछ मैटर नहीं करता यहाँ पर, ठीक है. और अगर आप लकी बंदे हो, अगर सोचते हो देखो, अगर इफ यू आर अ लकी पर्सन, ओके, जो ज्यादातर नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, ओके, सो इफ यू आर लकी देन आपका ज्वाइनिंग पहले आ जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग पहले आ जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग अर्लियर होगा आपका. अब यहाँ पर भी चीज नोटिस करोगे फ्रेंड, तो बता दूं, आप लोग बोलोगे कि सर अब हमारे पास ज्वाइनिंग्स लेटर नहीं आ रहे हैं, तो जो टीसीएस बोलती है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट डिमांड्स है, वो क्या है? इट इज नथिंग बट फॉर नॉट गिविंग द ज्वाइनिंग, नॉट गिविंग द ज्वाइनिंग. आप बोलोगे सर देखो जब बिजनेस रिक्वायरमेंट उसके पास नहीं था तो बेसिकली कंपनी हायरिंग क्यों कर रही थी, ठीक है. हर एक कंपनी के पास हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट अवेलेबल रहते हैं. अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, लिंक्डइन पर जाओगे ना, तो देखोगे तो फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट काफी कम होती है, बट अगर आप लोग लिंक्डइन पर सर्च करोगे एक्सपीरियंस जॉब, तो मल्टीपल जॉब्स मिलेंगे देखने को. आप एक बार खुद सोच के देखो, इफ यू आर अ फ्रेशर देन हाउ यू विल गेट अ एक्सपीरियंस. जब तक आपको कंपनी जॉब नहीं देगी आप एक्सपीरियंस कैसे कहलाओगे, बिना एक्सपीरियंस के कंपनी हायरिंग ही नहीं करती है. लिंक्डइन पे ज्यादातर कंपनीज जो है, टॉप एमएनसीज कंपनीज से बात कर रहा हूँ मैं, 95% कंपनीज जो होती है लिंक्डइन पे जो है वो जो है हायरिंग करती है एक्सपीरियंस्ड वालों को, नॉट अ फ्रेशर्स वालों. आप लोग सर्च करो जाके देखो, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड वालों को ज्यादातर टीसीएस कैपजेमिनी कॉग्निट हायरिंग करती है एक्सपीरियंस वालों को, नॉट अ फ्रेशर्स. अब ये फ्रेशर्स वाले जो हैं ये खुद अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, इनके पास ज्वाइनिंग खुद ही देखने को नहीं मिला है, ठीक है, ये खुद वेटिंग कर रहे हैं ज्वाइनिंग का. सो दिस इज द क्राइटेरिया, लाइक क्या चल रहा है मार्केट में, यू हैव टू नो. ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, प्रोजेक्ट डिमांड है, पाइपलाइन में हो, ये बस एक नॉट गिविंग द प्रॉपर अपडेट्स यू गाइस, आप लोग समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं. आप लोग देखोगे 2024 बैच वालों का भी आईपी एग्जाम होने लगा, 2023-22 बैच का तो बहुत महीने के बाद भी अपडेट्स नहीं आया था. मैंने सिर्फ फोटोज देखे हैं जो लोग 2022 में, उनके नवंबर 2022 में ऑफर लेटर आया था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया, 2 साल होने को है. सोच के देखो, ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक बिजनेस. अब 2 साल में क्या कंपनी का बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं आएगा? सोच के देखो, टीसीएस जैसी बड़ी ब्रांड कंपनी के पास क्या 2 साल में कोई अपडेट्स नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा, रिक्वायरमेंट नहीं, प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होगा. और ऐसे बंदे भी हैं जो लोग को जो भी मिल जाए वो बंदे काम कर लेंगे. आर यू गेटिंग पॉइंट?
तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ एक बोलने का तरीका है कि हम लोग पास प्रोजेक्ट नहीं है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स नहीं है, रिसेशन है, ये वो। ऐसा कंपनीज के अंदर जाओगे ना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके सीनियर वगैरह भी देखोगे तो कुछ ज़्यादातर वो काम नहीं करते हैं। तो ये ऐसा चलता है, ये बेसिकली रेंडम प्रोसेस है। इफ़ यू आर लकी यू विल गेट अ ज्वाइनिंग अर्लियर। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू गिव आईपी एग्जाम, सीपी एग्जाम वगैरह वगैरह, ये मैटर ही नहीं करता। ठीक है, बट हाँ, इसके लिए आप लोगों बस एक, आप ये बोलोगे अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट एक बार एड कर दूँ, फिर ये आपका एक लॉटरी सिस्टम है। तो होता क्या है, लॉटरी सिस्टम मतलब क्या होता है सर? लॉटरी मतलब कि मान लो कि उनके पास मान लो उनके पास 100 एक्सेल सीट है। अब मान लो एक एक्सेल सीट में, मान लो एक्सेल सीट में 1000 10000 कैंडिडेट्स हैं। ओके, अब क्या करेगी कंपनी जो है, मान लो 10000 लोगों को, निंजा वाले हैं मान लो, अब इनके पास कंपनी को ज्वाइनिंग भेजना है। अब वो कौन से बेसिस पर कैंडिडेट्स को भेजेगी ज्वाइनिंग, अब ये बहुत बड़ा बात आ जाता है कि अब इसको कौन से बेसिस पर भेजना है। तो क्या होगा, बेसिकली निंजा वाले को उठा लेंगे, वो नंबर वाइज उठा लेंगे, लॉटरी वाइज, लॉटरी मतलब ऐसे लॉटरी खेलेंगे। अब मान लो 55 नंबर में, 50 नंबर में कोई कैंडिडेट था, 60 नंबर में था कोई, 9878 नंबर में था, तो एक रैंडम वाइज वो नंबर को पिकअप करेंगे। अब मान लो कि आपका नाम 50 के आगे लिखा हुआ था एक्सेल शीट में, ये मान लो मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे पास ज्वाइनिंग से आ जाएगा। मान लो 60 में लिखा, किसी का नाम लिखा हो, सूरज, राहुल, जो भी। दिस इज द रैंडम प्रोसेस। एक्सेल सीट में 10000 100 एक्सेल सीट है, एक एक्सेल सीट है मान लो 10000 कैंडिडेट्स हैं। अभी इसको कम कर लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके अगर आप लोग का नंबर उसके नंबर के आगे लग गया तो आपके पास आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस जो मैं बता दूं फ्रेंड, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ टीसीएस पर, आप लोग जाकर देखोगे भी ना, टीसीएस पर ज्यादातर मेरे ही वीडियोस मिलेंगे। आप कुछ भी सर्च करो ना, बीजीसी प्रोसेस, आपको सबसे पहला वीडियो मेरा ही देखने को मिलेगा। मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। दिस द सिनेरियो, दिस द प्रोसेस, दिस द सीक्रेट रिवील्ड बाई यू गाइस। और यहाँ पर जो भी डाउट्स सबके रहते हैं, हमारे पास नहीं है ऐसा, हमारे दोस्त के पास आया तो उसका भी सेम डेट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास आएगा अपडेट्स जब आपके पास आना होगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। आप टीसीएस को मेल करो, टिकट रेज करो, एचआर को फोन करो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इफ यू आर लकीएस्ट पर्सन, इफ यू आर गॉट अ ट्रैप ऑन देयर लॉटरी सिस्टम, फंस जाते हो नंबर में, पर नंबर फंस जाता है तो आपके पास आएगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टीसीएस सेंडिंग दी ज्वाइनिंग लेटर। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोच के रखना कि सर हम लोगों ने बहुत सारा, एक बंदा से मैंने बात करा, वो आईपीएफ सीपीएफ वीपीएफ सब एग्जाम दे रखा है, नहीं आया। उसका एक दोस्त है, उन्होंने ना ही सीपीए एग्जाम अटेंड करा, ना ही वो पढ़ने में तेज है, उसके कंपेरिजन में जो मैं जो लड़का ने जो बात बताया मैं बता रहा हूँ, ना वो पढ़ने में तेज है और ना ही उसका कोई रेज्यूमे खास था। वो इंटरव्यू क्वालिफाई करा, सेम डे दोनों का इंटरव्यू हुआ था, एक के पास जो जिस बंदे ने आईपीएस सीपीए वगैरह वगैरह एग्जाम दिया उसको ज्वाइनिंग नहीं आया, बट जो दोस्त था जो बस सोया हुआ था घर में, उसे पता ही नहीं कि ज्वाइनिंग आएगा, चिल था पूरा, एकदम चिल था पूरा, उसके पास आ गया। अरे बंदे ने रात दिन एक करके उन्होंने पूरा अपना आईपीएस सीपीए एग्जाम दिया, पूरा बीच स्किल को पार्टिसिपेट कर रहा है, खतौन पार्टिसिपेट कर रहा, ज्वाइनिंग नहीं आया। अब क्या बोलोगी इसको बताओ? बहुत सारे मेरे पास चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, दिखाने बैठूंगा तो रात हो जाएगा। तो दिस द प्रोसेस। अब आप लोग कमेंट मत करना सर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, व्हाट इज नॉट सेंडिंग, व्हाट इज डिलेइंग। तो डिलेइंग विलिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब उनका मन करेगा आपको सेंड करने का, वो आपको सेंड करेगी। ये मत सोचना सर रिसेशन है टीसीएस में इसलिए नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप आओ कंपनी में, आओ एक बार देखो क्या चल रहा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो क्या कर रही है, फ्रेशर्स को ना लेकर एक्सपीरियंस वालों को रिक्रूटमेंट कर रही है। दिस इज अ सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू बी हैपन ऑन करेंटली टीसीएस एंड टॉप पेमेंट कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात पता रखना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।